नमस्कार दोस्तों, आइए देख लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस कल के लिए, 20 दिसंबर के लिए। कल किस लेवल पे हम लोग ट्रेड करेंगे। अभी भी मार्केट आपका चल ही रहा है, लेकिन मार्केट में कोई खास मूवमेंट है नहीं। और दोस्तों, आज के लिए मैं वीडियो नहीं दे पाया क्योंकि मैं बाहर था। तो आइए पहले बैंक निफ्टी की एनालिसिस कर लेते हैं। आज आप देखोगे बैंक निफ्टी एक अपने सपोर्ट लेवल पर खुला। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आया, यहाँ पर बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया और यहाँ से ऊपर गया। और मैंने आपको लास्ट जो मैंने आपको एनालिसिस की थी उसे मैंने आपको बताया था कि 43,100 आपका एक मेजर सपोर्ट एरिया है। तो इस सपोर्ट एरिया को अगर कंसीडर करें तो यहाँ से आज एक ट्रेड बना यहाँ तक। फिर उसके बाद बैंक निफ्टी, यही आप ये ग्रीन लाइन जो देख रहे हो, ये 50 EMA की, 50 EMA की ही अभी तक ये रेजिस्टेंस ले रहा है। देखिए यहाँ तक गया, फिर यहाँ से नीचे आ रहा है। तो कल के लिए हम ट्रेड कैसे करेंगे? देखिए दोस्तों, कल का जो हमारा एक जो जोन बनेगा, अगर इस जोन में बैंक निफ्टी खुलती है, ये वाला जोन, ये वाला जोन मिंटू से फ्लैट जोन, अगर 43,412 से लेके 43,241 नियर अबाउट 150-200 पॉइंट के अगर रेंज में खुलती है, तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि बैंक निफ्टी यहाँ 50 EMA के पास रेजिस्टेंस ले रही है या नहीं। ठीक है जी, 50 EMA के पास रेजिस्टेंस लेने का मतलब ये है कि मार्केट अभी भी, मार्केट मैं आपको बता दूँ, डे टाइम फ्रेम पे मार्केट आपका सेल में है, बट आवरली टाइम फ्रेम पे मार्केट आपका बाई में है। आवरली, ध्यान से सुनिएगा, डे टाइम फ्रेम पे मार्केट आपका सेल में है, आवरली टाइम फ्रेम पे मार्केट आपका बाई में है। ठीक है, तो कल अगर मार्केट इस वाले जोन में, इन 200, आज की क्लोजिंग नियर अबाउट आपकी 43,453 43,400 450 के नीचे ही होनी है आज की क्लोजिंग। इसके ऊपर आज बैंक निफ्टी जाना ही नहीं है, क्योंकि अभी तक उसी 200 पॉइंट की रेंज में हवर कर रहा है। छोटे छोटे आपके ट्रेड बनते थे, यहाँ यहाँ पर आपका सपोर्ट बना, यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस बना, यहाँ तक आप ले सकते थे ट्रेड, जो कि मैंने भी लिया आज। तो तीन कंडीशंस पे हम लोग इसकी ऑब्जर्वेशन करेंगे। पहला फ्लैट ओपनिंग, दूसरा गैप अप ओपनिंग और तीसरा गैप डाउन ओपनिंग। फ्लैट ओपनिंग पे मैंने आपको बता दिया, अगर इस कहीं इस वाली रेंज में कहीं फ्लैट खुलती है तो आप यहाँ पे देखोगे सिंपली कि अगर इस 50 की मूविंग एवरेज के नीचे ही खुलती है तो आप एक बार देखोगे, अगर यहाँ पे कैंडल 15-20 मिनट का टाइम बिता के निकलती है नीचे की तरफ, तो पहली कैंडल का दूसरी 15 मिनट की कैंडल पे हम लोग ट्रेड लेंगे नीचे की तरफ, और पहली कैंडल का हाई जो होगा वो हमारा स्टॉप लॉस होगा। ठीक है जी, टारगेट क्या होगा? टारगेट आपका होगा 43,113। पहला टारगेट आपका यही होगा। यहाँ पर आकर आप अपना ट्रेड क्लोज कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ यहाँ के लिए जा सकते हैं 42,948। अब पीछे जाके देखोगे, ये देखिए, ये जो सपोर्ट बन रहा है आपका 43,100 के नीचे का जो सपोर्ट है आपका, ये है जो आपका सपोर्ट था 7 दिसंबर का भी, जो आपका सपोर्ट था 2 दिसंबर का भी, और जो आपका सपोर्ट जोन है आपका 30 नवंबर का भी। तो ये जोन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहीं पर आके इसने फिर 200 मूविंग एवरेज के ऊपर लिया है सपोर्ट, तो ये आपका 948 वाला जोन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 113 से निकलेगी तो 948 को तोड़ती है तो फिर हमारा अगला टारगेट होगा 42,744 पे आके आप अपने ट्रेड को क्लोज कर दोगे और मार्केट से बाहर निकल जाओगे, जो भी प्रॉफिट होगा वो। अब आइए ऊपर की तरफ जाती है, तो अगर 50 की मूविंग एवरेज को पार करके ऊपर की तरफ खुलती है तो सबसे पहले, क्योंकि एक घंटे के टाइम फ्रेम पे मार्केट बाई में है, ये चीज़ नोट कर लीजिए आप अपनी डायरी पर। तो अगर 50 की मूविंग एवरेज के ऊपर अगर 15 मिनट की कोई पॉजिटिव कैंडल बनती है और दूसरी कैंडल उस कैंडल को तोड़ के निकलती है, तो हम लोग दूसरी कैंडल पर ट्रेड लेंगे और स्टॉप लॉस होगा पहली कैंडल का लो। ट्रेड कहाँ तक लेंगे हम? ये रही आपकी 200 की मूविंग एवरेज। 200 की मूविंग एवरेज जो आपकी है 43,526 पर है। यहाँ पर आगे मार्केट रुकनी चाहिए, पक्की सी बात है। यहाँ पर आपको नियर अबाउट 100-150 पॉइंट का टारगेट मिलेगा, लेकिन अगर यहाँ पे आगे कैंडल इसको तोड़ के निकालती है,
आप लोग अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके ऊपर कर लीजिएगा, अगर तोड़ के निकालती ठीक है, नहीं तो यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। बिकॉज ऑफ मार्केट डे टाइम फ्रेम पे सेल में है और 1 घंटे के चार्ट पे बाई में है, तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 200 की मूविंग एवरेज इसको उठा के नीचे फेंक सकती है अगर गैपअप खुलता है। अगर मार्केट इस 200 की मूविंग एवरेज के ऊपर गैपअप खुलता है तो पहले 15 मिनट की कैंडल को जाने देंगे, दूसरे 15 मिनट की कैंडल अगर पहले 15 मिनट की कैंडल के हाई को क्रॉस करती है तो पहले 15 मिनट की कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस होगा, दूसरी कैंडल से हमारा ट्रेड बनेगा और जो ट्रेड जाएगा वो यहाँ तक जाएगा 43,812। क्यों? आपने देखा होगा 15 दिसंबर का ये वाला जो एरिया है, ये एरिया जो मैंने आपको पहले भी बता के रखा था, ये एक तरीके से जानिए नो ट्रेडिंग जोन है, ये वाला एरिया एक तरीके से नो ट्रेडिंग जोन है। तो अगर यहाँ पे मार्केट यहाँ तक आती तो आप अपने ट्रेड को कट कर लीजिएगा, बिकॉज ऑफ ऊपर आपका जो ये वाला एरिया है, ये आपका ऑल टाइम हाई वाला एरिया है जो आपका 150 तक गई थी और यहाँ पर मार्केट ने फिर वहाँ से ब्रेक डाउन दिया था। तो अगर तीसरी कंडीशन, कल मार्केट अगर गैप डाउन खुल जाती है, अगर मार्केट कल गैप डाउन खुलती तो अल्टीमेट सपोर्ट ये वाला एरिया होगा 43,113। अगर 50 की मूविंग एवरेज के नीचे खुल के मार्केट की दूसरी कैंडल भी रेड ही बनती है तो पहली कैंडल का स्टॉप लॉस, पहली कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस लगेगा और फिर दूसरी कैंडल से हम लोग अपना ट्रेड स्टार्ट करेंगे। पहला टारगेट जो मैंने आपको पहले ये बताया था 113, 43,113, दूसरा टारगेट आपका 42,948 और तीसरा टारगेट आपका अगर आप पीछे जाके देखो यही बनेगा, ये 741, मैं इसको मार्क कर दे रहा हूँ, तीसरा टारगेट आपका बनेगा ये 741। यहाँ पे जाके हालांकि पॉइंट्स बड़े बड़े हैं, यहाँ पे जाके आप अपने ट्रेड को क्लोज कर सकते हो, मार्केट इतना नीचे जा नहीं सकती क्योंकि मुझे कल लग रहा है कि मार्केट रेंज बाउंड ही रहेगी। जो और अगर ट्रेड कब इनिशिएट करेंगे हम लोग, अगर आप एकदम सेफली सेफ तरीके से करना चाहते हो तो जाहिर सी बात है आज का लो और आज का हाई आप मार्क कर लो, ये रहा लो ये रहा हाई, अगर इसके ऊपर निकलता है तो भाई इसके नीचे निकलता है सेल। अगर आप बहुत ही ज़्यादा सेफ तरीके से चलना चाहते हो तो आइए अब ऑप्शन चेन पे देख लेते हैं क्या हिसाब किताब है आज का। ये आज की ऑप्शन चेन है निफ्टी ट्रेडर का, निफ्टी ट्रेडर में आपको एकदम करंट जो OI में जो चेंज हो रहा है आपके वो दिखाता है, मैं इसको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ बट ऑप्शन चेन की करंट बिहेवियर, लाइव बिहेवियर को देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करता है ये। तो आज के दिन में अगर आप देखोगे इस हफ्ते में तो 43,500 पे आपका सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग है, 40,95,000, फिर आपका 43,400 जो आपका मार्केट अभी क्रॉस नहीं कर पाया है, 43,400 जहां पर आपकी 50 की मूविंग एवरेज है, 43,300 आज आपका जबरदस्त सपोर्ट निकल के आया है क्योंकि आज यहां पे पुट राइटर आए हुए हैं। तो आप देखो 43,300 ये वाला जोन आपका जो मैंने आपको मार्क करके दिया है ये वाला जोन, और 43,100 पर भी आपके पुट राइटर हैं, 200 पर भी आपके पुट राइटर हैं, 300 पर भी आपके पुट राइटर हैं। तो कहने का मतलब नीचे की तरफ 400, 300, 200 और 100 और एज वेल 43,000, ये पूरा आपका सपोर्ट का काम करेगा। तो कल मार्केट को लेकर मैं थोड़ा सा अपर साइड की तरफ देख रहा हूँ क्योंकि ऊपर की तरफ जाने के लिए अगर आपका ये 43,500 अगर टूटता है तो सीधा मार्केट आपका 44,000 की तरफ जाएगा। जो अभी आपका जो टशन चल रहा है 43,400 पे चल रहा है जो अभी आप करंटली देख रहे हो 50 की मूविंग एवरेज, तो जो अभी आपका रसा कशी जो है वो 400 के लेवल पर ही है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो चीज़ें और ऑब्जर्वेशंस जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको डेली ट्रेड में बहुत हेल्प करेंगे और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपने दम पे ट्रेड लेना सीखिए, मार्केट की एनालिसिस करना सीखिए, मूविंग एवरेज का कैसे यूजेस करते हैं मार्केट में उसको सीखिए और SL को हमेशा छोटा और टारगेट को हमेशा बड़ा रखिए, ट्रेडिंग में पेशेंस बना के रखिए,
मैं कोशिश करूंगा कि एक और वीडियो हिलेगा मिलेगा के लाने की, क्योंकि लोग मुझे काफ़ी, मेरे पास फ़ोन भी आए हैं, काफ़ी मेरे पास क्वेरीज भी आ रही हैं हिलेगा मिलेगा और CCI को लेके। तो मैं कोशिश करूंगा कि उस पर भी एक वीडियो आज या कल मैं आपको दे दूं। बाकी का आज ये था बैंक निफ्टी का एनालिसिस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में निफ्टी के एनालिसिस में, और आशा करता, और ये लेवल्स आप अपने चार्ट में मार्क कर लीजिए। लेवल्स आपको बहुत ही हेल्प करेंगे। अगर आप मेरे पिछले 8-10 वीडियोस निफ्टी और बैंक निफ्टी की उठा के देखें, तो लेवल्स ने आपको काफ़ी हेल्प की है। कभी भी जिस लेवल पे मार्केट आए, तो उस लेवल पे जाके तुरंत ट्रेड मत लीजिए, वहाँ से रिवर्सल देखिए। रिवर्सल देखने के बाद ही ट्रेड इनिशिएट कीजिए। तो आशा करता हूँ आज की बैंक निफ्टी की वीडियो एनालिसिस आपको पसंद आई होगी, और आपसे अनुरोध है कि आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस फैमिली को ग्रो अप करने में हेल्प करें। धन्यवाद दोस्तों।